दूसरे टेस्ट मैच में टीम इंडिया का खूंखार पलटवार पहला मैच जीतकर बहुत उछल रहे बेसबॉल की शर्मनाक हार। पांच हीरो ने टीम इंडिया को रोमांचक मैच जिताया, सीरीज को 1-1 से बराबरी पर लाया, अंग्रेजों को दिखा दी उनकी असली औकात। दूसरे टेस्ट में बड़े मार्जिन से दी मात। जी, पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया की हार हो गई थी, या यूं कहें कि एक चमत्कार हो गया था जिसकी वजह से टीम इंडिया वो मैच हार गई थी। लेकिन जाहिर सी बात है, ऐसे चमत्कार बार बार नहीं होते। जो बेहतर टीम होती है वही जीतती है। पिछले मैच में भी ढाई दिनों तक टीम इंडिया बेहतर टीम साबित हुई थी, लेकिन एक सेशन में उससे मैच छिन गया था। लेकिन इस मैच में लगातार चारों दिन टीम इंडिया ने इंग्लैंड पर दबाव बनाकर रखा और आखिरकार इस मैच को बड़े मार्जिन से जीतकर सीरीज 1-1 से बराबरी पर ले आए। ये टेस्ट इतिहास का सबसे बड़ा पलटवार था, क्योंकि पहले मैच में बहुत बुरी तरीके से टीम इंडिया की हार हुई थी और उसके बाद उतनी ही बुरी तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को भी हराया है, बेसबॉल को घुटनों पर लाया है। अब कभी बेसबॉल इतनी अकड़ नहीं दिखाएगा। वो जब भी अकड़ दिखाएगा, हिंदुस्तान उसकी अकड़ ऐसे ही ठिकाने लगाएगा। तो आखिरकार मैच में क्या क्या हुआ और टीम इंडिया के इस जीत के पांच हीरो कौन कौन से रहे, आपको तफसील से बताते हैं। मैच में पहले बल्लेबाजी टॉस जीतकर टीम इंडिया ने की थी। पहले बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल के शानदार 209 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने बोर्ड पर 396 रन लगा दिए। यानी कि इस मैच के सबसे बड़े हीरो यशस्वी जायसवाल ही रहे, क्योंकि ना ही वो पहली पारी में 209 बनाते और ना ही टीम इंडिया 396 तक पहुंच पाती, क्योंकि दूसरा कोई खिलाड़ी नहीं था जिसने 35 रन तक बनाए हो। ऐसे में यशस्वी जायसवाल की पारी बहुत ऊपर की थी। इसके बाद इंग्लैंड अपनी पहली पारी में सिर्फ 253 रनों पर ऑल आउट हो गई। जसप्रीत बुमराह ने अंग्रेजी बल्लेबाजों को गुमराह कर दिया, 45 रन देकर 6 विकेट लिए। वहीं कुलदीप यादव ने उनका बखूबी साथ निभाया, जिन्होंने 71 रन देकर 3 विकेट लिए और अक्षर पटेल को 1 विकेट मिला। ऐसे में टीम इंडिया को पहली पारी के आधार पर अच्छी खासी लीड मिल गई थी। इसके बाद टीम इंडिया ने शुभमन गिल के शानदार शतक की बदौलत 255 रन ठोक दिए। हालांकि शुभमन गिल के अलावा कोई दूसरा बल्लेबाज 50 तक नहीं लगा पाया और इस वजह से टीम इंडिया 255 रनों पर ही सिमट गई। लेकिन टीम इंडिया ने 398 रन की लीड हासिल कर ली थी, यानी कि इंग्लैंड को 399 रन चाहिए थे, जिसके जवाब में इंग्लैंड 292 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। दूसरी पारी में इंग्लैंड की तरफ से जैक क्रॉली ने 73 रन ठोक दिए। इसके अलावा कोई भी दूसरा बल्लेबाज 50 तक नहीं बना पाया। दूसरी पारी में एक बार फिर से जसप्रीत बुमराह ही छाए, जिन्होंने 3 विकेट लिए। वहीं अश्विन ने भी 3 विकेट लिए और 1-1 विकेट मुकेश कुमार, कुलदीप यादव और अक्षर पटेल को मिला। इस तरीके से टीम इंडिया ने इंग्लैंड को एक बड़े मार्जिन से हराते हुए 106 रनों से इस मैच को अपने नाम कर लिया और सीरीज 1-1 से बराबरी कर ली। अब अगर मैच के पांच हीरो की बात की जाए तो सबसे बड़े हीरो यशस्वी जायसवाल रहेंगे, क्योंकि उन्होंने 209 रन बनाए। दूसरे हीरो शुभमन गिल रहेंगे, जिन्होंने दूसरी पारी में शानदार शतक लगाया। तीसरे हीरो बुमराह रहेंगे, जिन्होंने पहली पारी में 6 और दूसरी पारी में 3 विकेट हासिल किए, यानी कि मैच में 9 विकेट अकेले बुमराह ने लिए। इसके बाद चौथे हीरो कुलदीप यादव रहेंगे, जिन्होंने पहली पारी में 3 विकेट और दूसरी पारी में 1 विकेट लिया। और इसके अलावा पांचवें हीरो रविचंद्रन अश्विन रहेंगे, जिन्होंने दूसरी पारी में 3 विकेट और पहली दोनों बल्लेबाजी में 1-20 1-29 बना के टीम इंडिया को एक मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। इस तरीके से टीम इंडिया ने इस मैच को बड़े आराम से जीत लिया और इंग्लैंड को उसकी असली औकात दिखा दी, क्योंकि यही इंग्लैंड पहला मैच जीतने के बाद बहुत ज्यादा उछल रही थी। उसे लग रहा था कि बेसबॉल यहां पर भी कमाल कर गया, लेकिन वो भूल गए कि वो जीत सिर्फ और सिर्फ एक तुक्का थी। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान में बार बार हराना सबके बस की बात नहीं है। एक मैच गलती से अंग्रेज जीत के आ गए, बहुत उछल रहे थे, आज औकात सामने आ गई। वैसे इस जीत पर आपकी क्या राय है, जो भी आपकी राय हो कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।